बांसवाड़ा में भी जीत हासिल किया, उन सभी भाइयों के लिए आप सब तालियों से उनका अभिनंदन करिए बांसवाड़ा। और अब हम लोग हमारे से जितने भाई नाराज हैं, आज के बाद सभी भाइयों का पुनः हम आह्वान करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 2019 में आह्वान किया था, पुनः आह्वान करते हैं कि इस आदिवासी समाज के जन जागरण में आप वापस आ जाइए। कोई बुलाने के लिए आने वाला नहीं है, आप समाज के बीच में आ जाइए। और अब बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का राष्ट्रीय सम्मेलन की आज हम घोषणा करते हैं। और वो राष्ट्रीय सम्मेलन 14 और पूर्णिमा को बेणेश्वर में होगा, क्योंकि आप लोग हम लोगों ने जिला मुख्यालय का तो तमाम प्रकार की समस्याएं सोल्व कर ली है, लेकिन हमारे बेणेश्वर की समस्याएं आज तक सोल्व नहीं हुई है। तो हम लोग सभी उदयपुर संभाग के नहीं, पूरे देश के आदिवासी हम लोग इसी पूर्णिमा 14 और पूर्णिमा दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का होगा, इसकी आज हम घोषणा करते हैं। ये आप सबकी देन है, यहाँ जो बेटे बेटिया बैठी है, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने इतना बड़ा प्रयास किया सबके लिए, हम लोग चाहेंगे वहाँ हमारी बहन बेटिया है वो अपनी पारंपरिक ड्रेस में आवे। तो आज से ही लड़कियां और लड़के, लड़कियों को क्या पहन के आना है, चुन्नी घाघरा जो हमारे बाप दादे पहनते थे, गहने भी पहन के आने हैं, और लड़कों को भी धोती के बगैर नहीं आना है, नाके पर हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला जो राष्ट्रीय सम्मेलन होगा वो ऐतिहासिक होना चाहिए, उसका मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए। और चांदी के ही गहने पहनने, ये याद रखना है, कम से कम हाकली ने अपने बड़ा बिजली दो एक जैसी ड्रेस है। हाँ, और किसी के पैसे की दिक्कत आ रही है हाकली और आहली के लिए, तो हम व्यवस्था करेंगे।